कोरोना के दूसरे संक्रमण काल में कई लोगों की जान गई है, और वैसे में तीसरे संक्रमण काल को लेकर जो है लगातार सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, कहीं ना कहीं हरकत में नज़र आ रही है, पदाधिकारी हरकत में नज़र आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस करके कोरोना जाँच हो या उसके इलाज हो या आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात कही हो या वैक्सीनेशन की बात हो। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, इस वक्त ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज़ कमाते हैं और फिर खाते हैं। कोरोना काल में इनकी क्या कुछ हालत है उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि सरकार लाख दावे कहती है कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काम की जा रही है, और वैसे में इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर कोरोना में कैसा है आप लोगों के गांव के अंदर, काम मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है सर। कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो बहुत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? खाने पीने के लिए सारा चीज़ का जुन तबियत तो बहुत खराब हो रहा है, तो उसके लिए भी दवा बीरो करवाने के लिए पैसा चाहिए ना। कितने लोगों की मौत हुई कोरोना से? कौन गांव में रहते हैं? हम लोग सिंधवा टोली में रहते हैं। कौन गांव में? सिंधवा टोली में। सिंधवा टोली 10-12 को मौत हुआ है। कितने मौत हुई? कितने मौत हुई? 12-13 को। कोरोना से? कोरोना से मौत हुई है? हाँ कोरोना से। लोग बीमार है? बीमार तो अभी हम लोग तो काम करने जाते हैं। कैसे निकलते हैं जब बीमारी है इतना? तो क्या करेंगे, खाने के लिए नहीं मिल रहा तो निकलना ही नहीं पड़ेगा। बीमारी तो बीमारी है, खाने के लिए भी हम लोग मारेंगे। छोटा छोटा बच्चा सब है, नहीं कमाएंगे तो खिलाएंगे का चीज? तो देखिए पेट की मजबूरी क्या होती है, खाएंगे कैसे अगर घर से नहीं बाहर निकलेंगे। कि कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई दीदी? कोरोना से कितने लोगों की मौत हो गई आप लोगों के घर? नहीं हुआ है मेरा गाँव में। बीमारी को कैसा लग रहा है? बीमारी है फिर भी आप लोग कैसे काम करने निकलते हैं बताइए दीदी? भूख के चलते तो निकलबे करता है ना, अब नहीं कमाएंगे तो खाएंगे का चीज? रोज कमाने खाने वाले हैं? हाँ, तो डेली रोजी रोटी चलता है, इसी से मिलता है तो चलता है, नहीं मिलता है तो नहीं चलता है। रोज मिल जाता है काम? रोज तो नहीं मिलता है। कैसे घर चलाते हैं? चलाते हैं उसी में, 2 दिन काम करते हैं, 8 दिन में तो उसी से कैसे चला लेते हैं। वगैरह मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है आज कुछ नहीं? तो देखिए इनका कहना है कि ना अनाज मिलता है और 2 दिन काम करते हैं तो फिर जाके 4-5 दिन खाना खाते हैं। देखिए रोड के दोनों तरफ जो है आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मजदूर हैं और सभी जो है काम के लिए। क्या कहिएगा, काम मिल जाता है रोज कोरोना काल में? नहीं काम तो नहीं मिलता है, मगर बात यह है कि देखिए क्या करेंगे, 1.5-2 महीने के बाद आ रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। कैसे घर परिवार चल रहा है? वही तो, जो क्या करेंगे बताइए, अब नहीं चल रहा, चल रहा है किसी तरह, क्या करेंगे अब? जैसे लॉकडाउन जैसा लगाए हैं सरकार, तो उस तरह का तो लॉकडाउन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि काम वाम के लिए तो बहुत कम माने ये हो रहा है। कितने लोगों को काम मिल पाता है, कितने मजदूरों को काम नहीं मिल पाता है वो देखने वाली बात होगी। आप लोगों को काम मिल जाता है? खड़ा हो जाए, काम मिलता है रोज? बोलो मास्क का है? मास्क? मास्क नहीं दिया है कोई? कोई नहीं दिया है। तो राशन? राशन कोई नहीं, राशन भी नहीं मिला? नहीं। आपका काम क्वेश्चन कौन सी का है? राशन मिलता है आप लोगों को? राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है, जो मोदी सरकार जो दे रहा है ना कोई लायक का नहीं है मोदी सरकार। खत्म, रुको ना, मास्क थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ बोलिए। काम मिल रहा है? काम धाम नहीं मिल रहा है, भूख मर रहा है बाल बच्चा लोग, बाल बच्चे लिए आता है कुली लेबर, वो लोग को खाना पीना लायक भूख मर रहा है, उसका लायक नहीं है, जिंदगी जा रहा है, राजा लोग कमाता खाता है, एक डूबी का 1 किलो लिए आता है खाता है, 1/2 किलो चावल राशन पानी नहीं मिल रहा है। देखिए कितनी महिलाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों की है, लगभग सभी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की है, और हम आप ही लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। नहीं कैसे बोल रहे हैं? लॉकडाउन में तो कुछ मिलता नहीं है, यहाँ कमाने के लिए बैठ जाते हैं। क्या मांग करते हैं, क्या चाहिए उनको बताइए, मांग रखी है सरकार से क्या बताइए? वही तो कह रहे कुछ देवे नहीं करता, झूठो के मोदी जी के वार्क में आते हैं यहाँ काम करने, अभी लॉकडाउन चल रहा है कौन देगा? ये तो राज हेमंत जी देख रहे हैं ना, हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन देख रहा है तो क्या दे रहा है हम लोग को, गरीब को यहाँ 2 रुपया घूर के जा रहे हैं आ रहे हैं, किराया ले रहा है गाड़ी वाला, उसको बोलने जा रहा है कोई क्या है, किराया लेता है, कमा धमा नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो जिला ग्राम चोली वाला तो थाना पिठरिया है, ग्रामीण क्षेत्र से। हाँ कोरोना से कितनी मौत हुई? कम से कम 10 का मरा है।
कितने लोग बीमार है अभी? अभी कम से कम 20 को है। उसका कैसे इलाज हो रहा है? कुछ हो रहा है? चल रहा है, बाहर का दवा चल रहा है। जांच वगैरह होता है? टीका पड़ रहा है कोरोना? हाँ, पोलिया दवा पिया है, उससे ये नहीं निकला। इनका कहना है कि कई चैनलों पे हमने दिखाया अपनी बातों को, लेकिन कोई जो है हमारी सूद तक नहीं लेने के लिए तैयार है। लेकिन निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि लाइव लगातार पर इस खबर के दिखाए जाने के बाद कितने संज्ञान जो है, जो दैनिक मजदूर होते हैं, जो रोज कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए क्या कुछ विकल्प करती है राशन देने को लेकर या काम को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जो है गरीबों तक और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार कहती है कि जो है हम विकास करेंगे और जो है गाँव की सरकार है, वैसे में कितने ज़्यादा इन लोगों को मदद मिलती है, यह अब देखने वाली बात होगी। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।